रैनबैक्सी, फोर्टिस हेल्थकेयर और रेलीगेयर जैसी नामी कंपनियों के प्रमोटर रहे मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह के बीच कलह अब बढ़ती दिख रही है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। दो महीने पहले ही दोनों भाइयों में मारपीट की खबर सामने आई थी और अब मलविंदर सिंह ने अपने छोटे भाई शिविंदर के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत में शिविंदर के अलावा राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख गुरविंदर ढिल्लों का नाम, गुरकीरत सिंह ढिल्लों, गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, शबनम ढिल्लों का नाम भी शामिल है। सभी पर वित्तीय धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। गुरविंदर सिंह ढिल्लन के वकील फरीदा चोपड़ा ने धमकी दी है कि ढिल्लन की मांग नहीं पूरी करने पर जान से मारने की धमकी। कहा गया राधा स्वामी सत्संग के लोग उन्हें खत्म कर देंगे। मलविंदर का यह भी आरोप है कि शिविंदर ने गुरिंदर सिंह ढिल्लन के साथ मिलकर अपने पद का दुरुपयोग किया। इन सभी लोगों ने अवैध तरीके से पैसे निकाले। शिविंदर ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर रैलीगेयर एंटरप्राइजेज और रैलीगेयर फिनवेस्ट में भी फ्रॉड किया। दो महीने पहले भी दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ था। मलविंदर ने दिसंबर में भी शिविंदर पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। शिविंदर ने मलविंदर के आरोप झूठे और बेबुनियाद बताए थे। शिविंदर ने कहा था कि मलविंदर ने उन पर हमला किया था। उन्होंने पुलिस से भी कंप्लेंट की थी, लेकिन मां और परिवार के दूसरे सदस्यों के कहने पर शिकायत वापस ले ली गई। किसी दौर में सिंह भाइयों की आपसी साझेदारी के किस्से मशहूर थे। दोनों को एक दूसरे का हमसाया तक कहा जाता था। यही नहीं, 2015 में शिविंदर सब कुछ अपने बड़े भाई मलविंदर के हाथों में सौंपकर राधा स्वामी सत्संग व्यास में संत बन गए थे। यहां तक कि उन्होंने फोर्टिस हेल्थकेयर के एग्जीक्यूटिव पद को भी छोड़ दिया था। शिविंदर और मलविंदर सिंह ने 1996 में फोर्टिस हेल्थकेयर की शुरुआत की थी। फिलहाल फोर्टिस 45 शहरों में अपनी सुविधाएं दे रहा है। 10,000 बेड की क्षमता और 314 डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं। दुबई, मॉरिशियस और श्रीलंका में भी नेटवर्क है। साल 2016 में दोनों भाइयों ने फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में 92 नंबर पर जगह बनाई थी। उस वक्त दोनों की संपत्ति 8,864 करोड़ रुपए थी। साल 2016 की शुरुआत में शिविंदर और मलविंदर सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने कंपनी बोर्ड के अप्रूवल के बिना 500 करोड़ रुपए निकाल लिए। फरवरी 2018 तक मलविंदर फोर्टिस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और शिविंदर नॉन एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा कैसे और कब शुरू हुआ। परिवार का ये झगड़ा रैनबैक्सी कंपनी को जापान की दाइची सांकियों को बेचे जाने के बाद से शुरू हुआ था। रैनबैक्सी को 10 साल पहले करीब 10,000 करोड़ में बेचा गया था। इसके बाद दोनों भाइयों ने कई कारोबार में हाथ आजमाया, लेकिन ग्रुप भारी घाटे में आ गया। ग्रुप पर करीब 13,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। समय पर कर्ज नहीं चुका पाने के चलते ग्रुप की कुछ कंपनियों को अटैच कर लिया गया। इसके चलते दोनों भाइयों को फोर्टिस हेल्थकेयर की अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी। बिक्री के बाद फोर्टिस के खातों में धांधली के आरोप लगे। कहा गया कि दोनों भाइयों ने फोर्टिस के खातों से करीब 500 करोड़ रुपए ग्रुप की दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर किए, लेकिन इन पूरे मामले ने साफ कर दिया कि पैसे के खातिर आज भाई भाई का दुश्मन हो गया है।